मामला चाहे आनंदपाल एनकाउंटर का हो या कुशलगढ़ के एसडीएम की मौत का या फिर दौसा में धोखाधड़ी के मामले में स्थानीय पुलिस की जान से असंतोष का। प्रदेश में सीबीआई जांच की मांग पर हर पल कई मामले उठते हैं। मांग करने वाले कभी आंदोलन, कभी धरने, प्रदर्शन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो कभी कोर्ट के जरिए सीबीआई तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मांग करने वालों के लिए ये आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। राज्य सरकार ने 8 साल में 10 मामलों में सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। इसमें से एक भी मामले में आरोपी को सजा नहीं हुई। 2 मामले तो सीबीआई ने स्वीकार ही नहीं किए। 8 मामलों में या तो जांच जारी है या फिर केस कोर्ट में विचाराधीन है। पिछले 10 साल में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राज्य से जुड़े 24 मामलों की जाँच तो की है, लेकिन इनकी प्रगति की राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि सीबीआई जांच के अंदर आए हुए कई मंत्री, आईपीएस और एमएलए जेल में रह चुके हैं। जब राज्य सरकार के पास से फाइल जाती है तो ये हक सिर्फ सीबीआई को होता है कि मामले की जांच करेगी या नहीं। राज्य सरकार अनुशंसा का पत्र डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग को लिखता है। डीओपीटी अनुशंसा को सीबीआई के पास भेजता है। सीबीआई हेडक्वार्टर निर्णय लेता है कि मामला सीबीआई जांच के लिए उपयुक्त है या नहीं। आइए आपको बताते हैं कब करती है सीबीआई जांच से इनकार। या तो मामला 5 साल या इससे अधिक पुराना हो, पुलिस या अन्य जांच एजेंसी का चालान पेश, कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई चल रही हो, गंभीर किस्म के केसेस न होने पर भी जांच नहीं। तो आनंदपाल प्रकरण की फाइल भी अब सीबीआई के पास जाएगी और ये सीबीआई ही तय करेगी कि ये मामला सीबीआई जांच के लायक है या नहीं। देश दुनिया की और भी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब करें।